हमारे आचार्य महासमुंद जी कहानी कहते हैं कि त्याग का अपना महत्व होता है। एक बुढ़िया माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही थी और बड़ी उदास थी, तो बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ आप उदास हो, क्या कारण है, क्यों आप इतने उदास हैं। माँ ने कहा मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजर गई, गरीबी की अवस्था में ही रही और मुझे तुम्हारी चिंता होती है, तुम जवान होने लगे हो, अब तुम्हारा क्या होगा, मेरी तो कट गई, समझो जिंदगी कट गई, पर तुम्हारा क्या होगा, इस बात को लेकर मुझे बड़ी चिंता हो रही। पर एक बात है कि तुम एक काम करो, यहाँ से 30-40 मील दूर एक कोई योगी रहते हैं, वो इस समस्या का समाधान बता सकते हैं, और तुम जाकर पूछ कि मेरी गरीबी कब दूर होगी। और मैंने सुना है वो सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलते, जो भी बात बताते सच सच बताते, तो ये बात मेरा करके कोई बात नहीं मां, बस सुबह ही चला जाता हूँ। उठते ही सुबह रवाना हुआ, 8-10 मिनट चला होगा, उस समय तो वाहन वगैरह थे नहीं, तो पैदल ही निकला, एक जाट का घर आया, वहाँ जाकर उनका उसने कहा क्या मैं आपके घर पे विश्राम कर सकता हूँ। जाट ने कहा क्यों नहीं आओ, और उस समय तो मान मनोहार भी हुआ करती थी, आ जाओ, खाना वाना भी खिलाया, सोने की जगह भी दी, विश्राम भी कर लो थोड़ी देर। फिर उसको पूछा कि बेटे तुम जा कहाँ रहे हो, उसने कहा कि मुझे मेरी माँ ने भेजा है एक योगी से प्रश्न पूछने के लिए। तो उसने भी सुन रखा था कि योगी प्रश्नों का उत्तर देता है, तो उसने कहा एक काम मेरा भी कर, जाते जाते जब तुम जाओ तो एक मेरा प्रश्न भी पूछना कि मेरी लड़की गूंगी है वह कब बोलेगी, इस प्रश्न का उत्तर मेरा लेते आ। उसने कहा मुझे क्या करना, मेरा जो प्रश्न पूछने जा रहा हूँ साथ में आपका भी पूछ लूँगा, तो मैं जा रहा हूँ। और वहाँ से दूसरे दिन सुबह निकला, आगे निकला तो एक किसी फकीर की सन्यासी की कुटिया आश्रम दिखाई दिया, उस आश्रम पर रुका, सन्यासी को पूछा कि मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ थोड़ी देर, कि बेटे बहुत सारे कमरे हैं यहाँ तो धर्मशाला है, आराम से रहो, भोजन भी कर लो, भोजन भी करवाया। और उसने कहा जा कहाँ रहे हो, उसको भी बताया कि मैं योगी के पास जा रहा हूँ प्रश्न पूछने के लिए, तो उसने भी सुन रखा था, उसने कहा कि मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। उसने कहा क्या प्रश्न है आपका, उसने कहा ये प्रश्न है मैं इतने सालों से सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्याएं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, कारण क्या है इसका, क्या कारण है, तो पूछ लूँगा, आते आते आपको भी उत्तर बता दूँगा। और वहाँ से दूसरे दिन सुबह वापस निकला, फिर 8-10 दिन चला होगा, एक किसान का घर आया, किसान के वहाँ रुका, किसान को पूछा मैं रुक सकता हूँ, उसका क्यों नहीं, उसने भी खाना खिलाया, रात विश्राम कराया, उसको पूछा बेटे कहाँ जा रहे हो, उसको भी कहा कि मैं योगी के पास जा रहा हूँ प्रश्न पूछने के लिए, तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना, क्या प्रश्न है, ये प्रश्न है कि मेरे सब खेतों में खेती होती है अच्छी, पर एक खेत के किसी इतने बड़े हिस्से में खेती नहीं होती, मैं अनाज भी बोता हूँ लेकिन वह उगता नहीं, कारण क्या, इतना सा जरा पूछ लूँ, का ठीक। और चौथे दिन मैं निकला सीधा सन्यासी के वहाँ, तो वहाँ तो लाइन लगी हुई थी लंबी चौड़ी, सब प्रश्न पूछने वाले, ये भी जाके बीच में देखे गुस्सा तो लोगों का, अरे भाई बीच में मत जाओ लाइन लग रही है, लाइन में पीछे खड़े हो, अब वो हिसाब से तो शाम को 6 बजे तक नंबर नहीं आएगा। लेकिन सन्यासी ने उसको देखा क्या हुआ, तो बुलाया, उसने कहा मुझे प्रश्न पूछने है कि देखो अपनी भीड़ है, शाम को ठीक 6 बजे तुम मेरे पास आ जाओ, वहाँ उस समय कोई नहीं रहता, तुम आ जाओ तब तक विश्राम करो। शाम को 6:05 कमी थे कि वो पहुँच गया, तो वहाँ कोई नहीं था, सन्यासी ने अंदर बुलाया, बुला कर पूछा बोलो क्या प्रश्न है, उसने कहा मेरे प्रश्न है, कितने प्रश्न हैं, उसने कहा मेरे 4 प्रश्न हैं, उसने कहा मैं केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर दे, 4 प्रश्न के, और बड़ा असमंजस में क्या करें, माँ ने भी प्रश्न पूछा है, माँ का प्रश्न छोड़ूँ उसका खुद का ही प्रश्न है, या इन तीनों को वापस मुझे जवाब भी देना है, तो किन का प्रश्न मैं संभालूँ। पर उसने सोचा ठीक है मेरा प्रश्न तो बाद में पूछूंगा, वो मुझे जाते जाते वापस पूछेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, तो 3 प्रश्न उनके ही पूछ लेता। उसने कहा कि अभी किसान ने मुझे आते आते लास्ट में पूछा कि उसके किसी खेत के हिस्से में खेती नहीं होती, होने में
कारण क्या? उसने कहा इसका कारण है उसमें सोने के चिरू गड़े पड़े और मोहरे भरी पड़ी है, तो वो बीज अंदर पनपेगा कैसे, नीचे धरती में वो बीच में अड़चन आ रही है। उसने कहा ठीक बात है, पर मुझे एक सन्यासी ने भी प्रश्न पूछा है। उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि मैंने बहुत तपस्याएं की पर सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। उसने कहा उसके पास 1,25,000 का एक हीरा है और उसका मन उसमें अटक गया है, इसलिए वह सन्यासी अपनी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर। उसने कहा एक प्रश्न और तीसरा कि मैं जाट के घर पर रुका था, तो उसने कहा कि मेरी बेटी गूंगी है, वह कब बोलेगी? उसने कहा वह जब बोलेगी, उसका पति जब सामने आएगा तब वह बोल पड़ेगी, तब तक वह गूंगी ही रहेगी। उसने कहा ठीक है, अब अपना प्रश्न तो रह गया, छोड़ो अपने प्रश्न का त्याग कर। आते आते किसान ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा? उसने कहा हाँ पूछा। क्या उत्तर दिया? कि आपके खेत के इस हिस्से में सोने के चढ़ू गड़े हैं और उसमें मोरे पड़ी है, इसलिए वो आपकी खेती नहीं हो रही। उसने कहा देखो उनकी बात सही है, इतनी पता कर लेते हैं। तो देखे तो 5-7 चरू अंदर भरे पड़े थे। उसने कहा चलो तेरी वजह से मुझे इतना ये भी मिला, तो एक चरू तेरे को बैठ तू लेता जा, तेरी वजह से ही हुआ है, तो एक बैठ में उसको सोने का चरू मिल। फिर आगे निकला सन्यासी के वहाँ पहुँचा, सन्यासी ने पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा? उसने कहा हाँ। क्या उत्तर दिया? ये उत्तर दिया कि आपके पास कोई 1,25,000 का हीरा है। उसने कहा है, क्योंकि आपका मन उसमें अटका हुआ है इसलिए सिद्धि नहीं मिल रही। उसने कहा फिर ये क्या करूँ, सिद्धि तो मुझे प्राप्त करनी है, हीरा तो ही संभाल। और हीरा उसको दे दिया, 1,25,000 का हीरा दे दिया, और जैसे ही हीरा उसको दिया उसको सिद्धि प्राप्त हुई। फिर आगे निकला किसान के पास पहुँचा, किसान पूछा जाट के पास, जाट ने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा हुआ ये कि तुम्हारी बेटी जब बोलेगी, जब उसका पति सामने आए, और इतने में उसकी बेटी आ गई, आते ही बोल पड़ी, तो बोल पड़ी उसने कहा इसका मतलब ये उसका होने वाला पति। तो उन्होंने कहा फिर बात तो मिल गई यहीं पे, चलो तेरी शादी इनसे ही करा दो। वो शादी करा के उसको रवाना कर दिया। माँ के पास पहुँचा, माँ ने पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर? उसने कहा ये उत्तर ये क्या है? आपका प्रश्न मैंने पूछा ही नहीं। वो सन्यासी ने ऑटोमेटिक उत्तर दे दिया। कहने का मतलब अपना त्याग किया, उसने अपने प्रश्न का त्याग किया। जो उसने अपना त्याग करता है उसको फल तो अपने आप ही मिल जाता है। तो त्याग की इतनी महिमा होती है, ये बात इस कहानी से हमें समझने को मिलती है।